हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 60 Pro के टिप्स एंड ट्रिक। इसी वीडियो में आपको बताएंगे इसके टॉप 20 प्लस हिडन फीचर जिन्हें आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं, कमाल के फीचर हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके कुछ हिडन फीचर। चलिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने हिडन फीचर यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है आपको। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन में, यहाँ से आपको मिल जाती है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे आप, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको मिल जाता है जेस्चर एंड मोशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आप कुछ आपको यूनिक फीचर मिल जाते हैं, जेस्चर जिन्हें आपको कुछ ऑप्शन में ऐसे मिल जाते हैं बिना स्क्रीन को टच करे हुए अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। पहला मिल जाता है आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मिल जाता है डबल टैप टू वेक टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको अपनी स्क्रीन ऑफ करनी है, डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है और डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। फिर मिल जाता है ड्रॉ एन ए ओ टू ओपन कैमरा, जब आपकी स्क्रीन पर लॉक लगा हो स्क्रीन ऑफ हो, जब आप स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करते हैं अपनी डिस्प्ले पर कैमरा ओपन हो जाता है। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ ए बी ऑफ फ्लैश लाइट, अपनी स्क्रीन पर बी ड्रॉ करते हैं फ्लैश लाइट ओपन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर आपको यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ड्रॉ बी यहाँ से एरो का चिन्ह बनाएंगे तो अपने फ़ोन के अंदर आपको कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। ड्रॉ एम पे आपको लॉन्च असिस्टेंट अपने फ़ोन के अंदर ओपन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है किस प्रकार से ऑन कर लेंगे, तो इसमें से क्या चाहिए आपको कॉल वगैरह अनलॉक वगैरह वो सारे आप यहाँ से सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ सेट कर लेंगे, यहाँ से आपको कोई एक एप्लीकेशन अगर आपको सपोर्ट कर लेना है अपने फ़ोन में, एप्लीकेशन आप सेट कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर जो भी आपको चाहिए, तो हम फोटो वाले एप्लीकेशन को सेट कर देते हैं। यहाँ मिल जाता है ड्रॉ डब्लू, डब्लू ड्रॉ करने पर अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्डर को आप ऑन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं, यदि सेटिंग आपकी कंप्लीट रहती है। इसके बाद हम आपको बैक आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको चेक कराएंगे हम जो कुछ यूनिक फीचर ऑन किए थे वो आपको कैसे वर्क करते हैं। इसमें स्क्रीन हमने कर दी लॉक, लॉक करने के बाद स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करेंगे आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन हो चुका है हमारे फ़ोन के अंदर, फिर से स्क्रीन लॉक करेंगे, अब आपको बी ड्रॉ करेंगे आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट ओपन हो जाती है, जो कि हमारे फ़ोन के देख सकते हैं फ्लैश लाइट ओपन हो चुकी है, ऐसे हम ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट फीचर हमने अपने फ़ोन के अंदर ऑन किया था, अपने फ़ोन के अंदर इस प्रकार से जब एरो ड्रॉ करेंगे आपके फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर हमने अपने फ़ोन के अंदर ऑन किया था, अपने फ़ोन के अंदर आप इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर डब्लू ड्रॉ करते हैं आपके फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, इसे आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट फीचर हमने अपने फ़ोन के अंदर एम ड्रॉ किया था, एम ड्रॉ करने पर हमारी फाइल ओपन हो जाती है, वो कि हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं हमारी फाइल ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमने कुछ यूनिक फीचर ऑन किए थे वो आप इसे ऑन कर लेंगे। डबल टैप पे हमने लॉक किया था लॉक हो जाता है, डबल टैप करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, डबल टैप करने पर लाइट आपकी ऑफ हो जाती है स्क्रीन, इस प्रकार से आपके लिए काम करते हैं ये फीचर। चलिए फिर से आपको ले चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में ही, सेटिंग में आपको एडिशनल सेटिंग में ही जाना है, फिर से आपको जाना है जेस्चर एंड मोशन में। अब आपको नीचे और ऑप्शन मिल जाते हैं जेस्चर, यहाँ आपको ऑप्शन तो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर अभी थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट देखने के लिए नहीं मिलता आपको अपने फ़ोन के अंदर, इसे ऑन कर देंगे। अब आप थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब आपको हाफ स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो थ्री फिंगर प्रेस एंड होल्ड रखनी है स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको जेस्चर मिल जाता है एआई जेस्चर, इस पे जाएंगे जिसे हम बोलते हैं एआर जेस्चर। एआर जेस्चर कैसे काम करता है, अपनी स्क्रीन को बिना टच करे आप अपनी स्क्रीन को चला सकते हैं। यहाँ से मिल जाता है आंसर एंड म्यूट कॉल, अपनी कॉल आंसर कैसे करनी है बिना स्क्रीन टच करे, इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इस प्रकार से आप इसे स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ऊपर के लिए स्वाइप कर देंगे कॉल आंसर हो जाएगी, नीचे इस प्रकार से शो करेंगे पांचों फिंगर आपकी कॉल म्यूट जाएगी, अपना हैंड इस प्रकार से शो कर देंगे आपकी कॉल आंसर हो जाती है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन और इसे ऑन कर लेंगे। इसमें काम के लिए कहाँ के काम करता है, ये फेसबुक और यूट्यूब पे आपके लिए काम करेगा, किस पे काम करेगा फेसबुक के और यूट्यूब पे आपके लिए काम करेगा ये एप्लीकेशन जो कि हमने ऑन कर दिया है। तो चलिए यहाँ से हम आपको इसे चेक करा देंगे, स्क्रॉल अप स्वाइप डाउन करना है सो स्क्रॉल पेज, इस प्रकार से आपसे कर देंगे पेज ऊपर के लिए इस प्रकार से करेंगे, स्वाइप डाउन करना हो तो आपको अपने फ़ोन के अंदर पेज डाउन करना है तो इस प्रकार से हैंड शो करना और नीचे के लिए स्वाइप डाउन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं और चेक करा देते हैं, तो इसके लिए हम अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। जब हम अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब ओपन कर ली तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है, क्योंकि हमारे फ़ोन में अभी नेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से हम लाइब्रेरी पर आ जाते हैं, इधर से आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं कुछ। अभी हमारे फ़ोन में यूट्यूब में नेट कनेक्ट नहीं, इसलिए आपके लिए वो काम नहीं करेगा, इसके लिए बाद में हम आपको फिर करा के बताएंगे। नेक्स्ट फीचर के लिए हम आपको फिर से आपको ले चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, नीचे मिल जाते हैं प्ले और पॉज, इस पर जाएंगे प्ले और पॉज वीडियो, ये सिर्फ यूट्यूब पे काम करेगा, इसे ऑन कर देंगे अलाउ कर देंगे। अपनी जो स्क्रीन है इस पर आपको पांच फिंगर इस प्रकार से शो करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो पॉज हो जाती है, वीडियो दोबारा से शो कर देंगे आपकी वीडियो प्ले हो जाती है, इस प्रकार से आपसे यूज कर लेंगे।
नीचे आपको और फीचर मिल जाते हैं राइज टू बेक। राइज टू बेक क्या, आपका फोन जैसा कि टेबल पर रखा और जैसे आप उठाएंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। जैसे हम आपको करके बताते हैं, जैसे ये हमारा फोन है जो कि अभी टेबल पर रखा है, जब आप इसे उठाएंगे तो हम इसका कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये फीचर आपके लिए काम करता है। फिर आपको ऑप्शन नंबर जाता है लिफ्ट टू आंसर। लिफ्ट टू आंसर क्या है, आपको अपनी कॉल को जैसे कोई कॉल आ रही है तो सिर्फ ही आपको अपना फोन अपने कान के पास तक उठाकर ले जाना, आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है ऑटो स्विच टू रिसीवर। ऑटो स्विच टू रिसीवर से क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आई, आपको अपने फोन हैंड फ्री करके आप बात कर रहे हैं, बात करने बाद आप अपने फोन को जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो जो आपने हैंड फ्री किया वो आपको ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। नीचे मिल जाती है फ्लिप टू इनकमिंग कॉल। अपनी इनकमिंग कॉल को म्यूट करना है फ्लिप करने पे। इसे ऑन करने से आपके पास कोई कॉल आती है तो अपने फोन को इस प्रकार से जब आप फ्लिप कर देंगे तो आपकी कॉल म्यूट हो जाती है, जब आप इसे फ्लिप कर देंगे तो इस प्रकार से अपनी कॉल को आप म्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना कुछ नेक्स्ट फीचर के लिए। अब आपको यहाँ मिल जाते हैं, इसमें आपको एक फीचर मिल जाता है वन हैंड मोड। वन हैंड मोड आपको कैसे ऑन करना है, इसे ऑन कर देंगे, नीचे के लिए स्वाइप कर देंगे, आपको फोन आता है वन हैंड मोड में। इस प्रकार से अपने फोन के अंदर आप वन हैंड मोड पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे आपका फोन आता है फुल हैंड मोड में। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है एसेटिव वॉल। अगर आपको चाहिए यहाँ से इसे ऑन कर लेंगे, इसे ऑन कर लेंगे, एसेटिव वॉल आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाती है। इस पर आपको क्या करना है, एक बार टैप करेंगे बैक आ जाएंगे, डबल टैप करेंगे आप रीसेंट टास्क में आ जाएंगे, इस पर रीसेंट टास्क में आ जाएंगे, इस पर आप एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से एसेटिव वॉल पर जाएंगे, प्रेस एंड होल्ड रखेंगे आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पर, डबल टैप करेंगे रीसेंट टास्क में आ जाएंगे, एक बार टैप करेंगे आप आ जाएंगे बैक। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ मिल जाता है आपको सिस्टम नेविगेशन। अगर आपको अपने फ़ोन में बटन चाहिए तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बटन वापस आ जाते हैं, इस प्रकार से बटन आ जाते हैं। अगर बटन हाइड करने हैं आपको तो सिंपली आप फिर जेस्चर पर क्लिक कर देंगे और आपके बटन हाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको हाइड कर सकते हैं अपने बटन को, इस प्रकार से आप इसे यूज कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब आपको एक फीचर मिल जाता है स्पेशल फीचर, इसमें जाएंगे आप। इसमें आपको ऑप्शन तो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन, इस पर जाएंगे, इसे ऑन कर देंगे, आप अपने फ़ोन के अंदर थ्री फिंगर से स्प्लिट स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर दिया, थ्री फिंगर से स्वाइप अप करेंगे, नीचे हमने मैसेज बॉक्स ओपन कर दिया, स्प्लिट स्क्रीन यूज हो जाती है। अब आप एक बार में अपने फ़ोन के अंदर दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। अगर आप ऊपर वाली स्क्रीन को नीचे करना चाहते हैं तो थ्री डॉट मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे शार्प कर देंगे आपकी डिस्प्ले, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप इसे यूज कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। इसके लिए फिर से आपको सेटिंग में जाना है। नेक्स्ट फीचर के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ मिल जाता है आपको स्मार्ट साइड बार, स्मार्ट साइड बार को ओपन कर देंगे तो यहाँ से आप अपना स्मार्ट साइड बार ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके फ़ोन के अंदर स्मार्ट साइड बार ओपन हो जाता है, जिसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए अब आपको अपने फ़ोन के अंदर, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही है और नेट स्पीड शो नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में। यहाँ मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेटिंग, नोटिफिकेशन है स्टेटस बार, तो आपको जाना है स्टेटस बार पे। स्टेटस बार पे जाने के बाद यहाँ मिल जाता है बैटरी इंडिकेटर, इस पे जाने के बाद बैटरी परसेंटेज अपनी शो कर सकते हैं, इस प्रकार से बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं। यहाँ मिल जाता है बैटरी स्टाइल, जो भी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेट स्पीड शो करने के लिए इसे ऑन कर देंगे, फ़ोन के अंदर नेट स्पीड शो हो जाएगी, जब अपने फ़ोन में नेट कनेक्ट करेंगे तो हमारे फ़ोन में नेट स्पीड शो हो जाती है। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप नेट स्पीड यूज कर सकते हैं इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ से आपको, चलिए यहाँ से आपको इस प्रकार से अब आपके फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन देख रहे हैं। अगर आपको इनका साइज चेंज करना है, इनका स्टाइल चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टू फिंगर से पिंच इन करना है अपने डिस्प्ले पे और सेव मोर का ऑप्शन आया था, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, इसमें आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर यहाँ से आइकॉन का, वो आपको कहाँ देखने मिल जाता है, इस पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है, यहाँ मिल जाता है आपको आइकन्स, इस पर आपको आ जाना है। इस पर आने के बाद आप अपने आइकन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस भी शेप में आपको अपने आइकन चाहिए वो आप यहाँ से सेव कर लेंगे। इस प्रकार से अपने आइकन सेव कर लेंगे आप यहाँ से। यहाँ से आप उसको फोर्स ग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आइकन का कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आपसे अप्लाई कर देंगे, अब आपके आइकन यहाँ से चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने आइकन को आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट